हो रही है ना हो। मैं जी आया कहना चाहना है, आज बहुत चंगा दिन है। दो लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पहला तो साबका MLA मोही साहब के सपुत्र मोही साहब जिहड़े कि साढ़े SC कमीशन के मैंबर सन, उन्होंने अज पार्टी ज्वाइन की है, नौजवान साथी है। मैं उन्होंने भी जी आया कहना है। और नाल ही नाल अज जलालाबाद के बहुत वड्डे आगू, मैं समझना कि एक मुकम्मल थम जिहड़े सुखबीर सिंह बादल दी इलैक्शन जताउण दे विच आपका वड्डा योगदान वह हमेशा पाउंदे सी, मोहरे होके वो लड़दे सन। दो बार जिला परिषद के मैंबर और चेयरमैन और नाल ही नाल मार्क कमेटी के चेयरमैन जलालाबाद के रहे। अज उन्होंने पार्टी का जोशन साहब भी आए ने, साढ़े प्रधान जी भी मगर खड़े है। सो उन्होंने फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करन दा। अज असीं उन्हां नूं मुढ़ली मैंबरशिप दित्ती है चेयरमैन बबलजीत जी नूं, और मैं बाजवा साहब ने तो समुची कांग्रेस पार्टी ने जोशन साहब वाले ने अज असीं उन्हां नूं जी आया तो स्वागत किया। और असीं विश्वास दवाउने कि इन्हां दा मान सम्मान बरकरार रख्या जाएगा और पार्टी इन्हां नूं हमेशा इन्हां नूं मान सम्मान देगी तो अगे लैके जाएगी। सो इन्हां दे आउण दे नाल सानूं जलालाबाद दे विच एक वड्डा हुलारा ते वड्डा बल मिलेगा। दोबारा फिर मैं दिल दीआं गहराइआं चों चेयरमैन साहब नूं, जोशन साहब नूं, समूह जलालाबाद दे लोगां नूं, पंजाब दे लोगां नूं अज दी इस जॉइनिंग दी वधाई दी। जिमनी चोणां नूं लैके अज मीटिंग कीती गई, कदों तक कैंडीडेट अनाउंस हो जाणगे? मेरा ख्याल तकरीबन 2-3 दिनां दे विच असीं उम्मीदवार फाइनल कर लैणगे। चारों सीटां ते देखो अड अड कैंडीडेट हुण गिनती नहीं है, 12-15 कैंडीडेट सीगे साढ़े कोले चब्बेवाल तों, और 7-8 कैंडीडेट साढ़े बरनाला तों हैगे ने, गिदड़बा तों 1-2 कैंडीडेट हैगे ने। अमृता विड़िंग नहीं आए हुण, अमृता प्रधान दी घर वाली कोई अपने आप कैंडीडेट थोड़ी बन सकती है। सो वो प्रधान ही प्रधान है, चोण का फैसला राहुल गांधी ते श्री खरगे साहब का फैसला होंगे हाईकमांड का। सो जो होएगा पता लग जूगा। हजे तक ऐसी कोई गल नहीं है रिकमेंड वाली जां किसी ने, फैसला हाईकमांड ने करना है। जो भी फैसला होगा चारे दियां चारे सीटां ते इको जा फैसला होगा, वो सारे अज तुसीं देखिया दोनों, हाँ जी दोनों इंचार्ज, तीनों इंचार्ज आए ने, दो सहायक इंचार्ज ने, दविंदर यादव जी आए ने। तो मेरा ख्याल अज सवेर दे विच तुहानूं जिहड़ियां इह चारे सीटां ते उम्मीदवारां दा ऐलान कर मैं वलटोहा दे मुद्दे ते बिल्कुल इहो जे विवादिक गल्लां दे विच नहीं पैणा चाहुंदा, पर मैं इक गल कहनी चाहुंदा, मेरी पूर्ण हमदर्दी जिहड़ी ज्ञानी जी दे नाल है। साढ़े बहुत वारी मतभेद भी रहे, बहुत वारी जदों असीं उह कोई गल कह दिंदे सी उरे ते असीं मोड़मा जवाब दिंदे सी। अकाल तख्त का असीं सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पहला अकाल तख्त ते कब्जा कर रखते सी, लेकिन जिस प्रकार की एक मर्यादा तो गिर के वलटोहा साहब ने जिहड़े इस्तेमाल किए शब्द ज्ञानी जी के बारे, मैं उरी करड़े शब्दों के विच निंदा करदा। एक सिख दूजे सिख दी और जिहड़ा उस गद्दी ते बैठा हुआ है, जिन्ने चिर उस अहुदे ते बैठे हुए ने, उह तख्त साहब दे आगू ने, प्रधान ने और जथेदार रहे ने, उन्हां बारे इन्नी गंदी शब्दावली और उन्हां दियां बच्चियां परिवार घर वाली बारे ऐसी शब्दावली वरतन वाले जिहड़े लोग है, ये मैनू लगता आपकी जमीर के अंदर जरूर झाकन। मैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहना चाहता, पर अपने आप में सिख केड़ा है? गुरु का सिख वो है जिहड़ा हर एक की धी भैन माँ का सम्मान करे। गुरु का सिख वो है जिहड़ा अपने साथी सिख का सम्मान करे, भावें दूसरा बंदा तुहाडी इनसल्ट कर दे। ये अपने सिख कमाउण वाले कौम के वारिस कमाउण वाले ते इन्नी माड़ी शब्दावली वरती है। मैं समझदा कि वलटोहा साहब नूं ज्ञानी हरप्रीत जी तो नंगे पैरी जाके हाथ जोड़ के माफी मंग लेनी चाहिए।